न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। पिछले 8 साल से बड़ौदा में न्यूज प्लस चैनल पे मेरी सीधी बात आती रही। राजनीति हो, धर्म हो या सामाजिक बात हो, मैं हर विषय पे बोलता रहा। पिछले 8 साल से ये चैनल चल रही है, मगर गुजराती में। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप हिंदी में बात करें। पता नहीं क्यों मैं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं हिंदी में अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। फिर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बार बार कहने पर भी मैं तैयार नहीं हुआ हिंदी में बात करने के लिए। इंग्लैंड में बड़ौदा का एक लड़का रहता था, आदित्य नाम था उसका। वहां पढ़ाई करने गया था। आदित्य ने मेरी वीडियो इंटरनेट पर देखी। उन्होंने मुझे इंग्लैंड से कहा कि जीतू भाई आप हिंदी में बात करें, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आपको समझ नहीं सकते हैं। आदित्य बड़ौदा आ गया, वापस आ गया। बड़ौदा में भी मेरी उनसे बहुत बातें हुई, मुलाकातें हुई। वो कहता रहा कि आप हिंदी में बात करें, मगर बात फिर आगे नहीं बढ़ी। आखिर में इंटरनेट पर, फेसबुक पर मुंबई की एक सबाना खान नाम की लड़की ने मेरे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे। वो हिंदी भाषी थी, गुजराती उन्हें आती नहीं थी। तो ये सबाना ने मुझे कहा कि मैं आपकी भावना समझ पाती हूँ, आपके शब्द नहीं समझ पाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप हिंदी में अपनी सीधी बात करें। मैंने उनको कहा कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो बहुत इंसिस्ट करती रही कि जब आपकी बात में सच्चाई है, भाषा की थोड़ी कमी भी रहेगी तो आप उसे भूल जाओ और आप 15-20-25 सीधी बात करोगे तो आपकी हिंदी अपने आप निखर जाएगी। और फिर बाद में उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता था इंटरनेट पे, वो मुझे हमेशा कहती रहती थी सबाना कि तुम आप हिंदी में बात करें, मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ आपकी बात। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि आप हिंदी में बात करें। मानो वो मेरे गले ही पड़ गई, उन्होंने कहा आपको हिंदी में बात करनी ही है। और आखिर में मैंने सोचा कि जब गुजराती में मैं बात कर ही रहा हूं तो मैं हिंदी में भी शुरू करूं। आखिर में आज से हमारी हिंदी सेवा शुरू करने जा रहा हूं। अगर कोई बात मैं हिंदी में अच्छी तरह नहीं पेश कर सकता हूं तो आप मेरी ये कमी को माफ कर दें। और मैं आदित्य, सबाना और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बार बार कहने पे कह के ये हिंदी सेवा शुरू करने पे मजबूर किया है, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये सीधी बात, हिंदी की सीधी बात आप सबको पसंद आए। जय हिंद। न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ जीतू भाई पंड्या। हमारे हिंदी संस्करण का ये पहला अध्याय है और हम चाहते हैं न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। न्यूज प्लस की ये हिंदी संस्करण का ये पहला चरण है, आज प्रथम दिन है। और ना हम राजनीति की बात करना चाहेंगे, न राजकारण की बात करना चाहेंगे, न राजकीय पुरुषों की बात करना चाहेंगे। आज हम जो बात करना चाहते हैं पहले एपिसोड में, वो राम की बात करना चाहते हैं, रामायण की बात करना चाहते हैं, रामायण की खुशबू की बात करना चाहते हैं।
भारत में शायद ही कोई होगा जिन्होंने रामायण पढ़ा नहीं हो, और कोई भी नहीं होगा जिन्होंने रामायण के बारे में सुना नहीं होगा, चाहे वो दूसरा धर्म वाला ही क्यों ना हो। रामायण की बहुत बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। आज मैं रामायण से एक अद्भुत पात्र की बात करना चाहता हूं, और ये अद्भुत पात्र राम नहीं है, न रावण है, न लक्ष्मण है। किसी को भी पूछा जाए कि रामायण का अद्भुत पात्र कौन है, तो सबको राम पसंद आएंगे, लक्ष्मण पसंद आएंगे, मगर रामायण में से सबसे अद्भुतम व्यक्तित्व अगर किसी का है तो वो उर्मिला जी का है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला रामायण का अद्भुत चरित्र है। रामायण में जितनी सारी खूबियां है, पितृ भक्ति है, भातृ भक्ति है, देशभक्ति है, शौर्य की बात है, वो सब बात रामायण की जितनी सारी खूबियां है तो वो सब उर्मिला में है। मुझे कोई कहे कि आप किसे उत्तम चरित्रवान गिनेंगे, सीता माता को या उर्मिला जी को, तो मेरी पसंदगी उर्मिला है। माँ अद्भुत है, माँ का चरित्र भी अद्भुत है, ना नहीं कह पाएंगे। राम अद्भुत है, सीता अद्भुत है, रावण अद्भुत है, लक्ष्मण अद्भुत है, दशरथ अद्भुत है, मगर इन सब अद्भुत लोगों के बीच एक पात्र छूट गया है। अगर हम जिसे बहुत महत्व नहीं देते हैं, ऐसा एक अद्भुत पात्र है, वो लक्ष्मण पत्नी उर्मिला जी का है। और आज मैं जो प्रसंग कहने जा रहा हूं, कोई मुझे आके कह भी दे, खुद वाल्मीकि जी कह दे कि ये प्रसंग जीतू भाई जो आप कह रहे हैं वो मेरे रामायण में नहीं लिखा है, तुलसीदास जी भी कह दे कि ये बात बनी ही नहीं है, सिर्फ लोक कथा में ये बात चलती है, तो भी मैं कहूंगा कि ये जो कथा में कहने जा रहा हूं वो बड़ी अद्भुत है। और ऐसे मान लो कि ये कथा रामायण में है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। वैसे देखा जाए तो भागवत में राधा जी का नाम ही नहीं आता है। कृष्ण भगवान का अद्भुत चरित्र उद्घाटन करने वाले भागवत में राधिका जी का एक भी प्रसंग नहीं है, राधा का नाम नहीं है। और हम पूरे हिंदुस्तान वासी कभी कृष्ण को अकेले बुलाना नहीं चाहते हैं, हम राधे कृष्ण कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं राधे कृष्ण, वो राधा नहीं है भागवत में, तो क्या फर्क पड़ता है। मैं एक आज आपको अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। राम वनवास चले गए थे, लक्ष्मण जी उनके साथ गए, राम के साथ सीता माता भी वनवास गई। सीता माता ने कहा आप जहां रहोगी मैं भी वहीं रहूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आपकी छाया हूं, और मैं आपके साथ में रहूंगी। लक्ष्मण ने कहा कि मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मेरे सिवा आपकी सेवा कौन करेगा, तो मैं आपके साथ चलता हूं। और जब उर्मिला जी ने कहा लक्ष्मण को कि मैं आपके साथ आना चाहती हूं, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, आप महल में रहोगी, आप माताओं की सेवा करोगी। उर्मिला उदाहरण दे सकती थी,
कि अगर सीता माता वनवास जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती, अगर राम अपनी पत्नी साथ ले जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती, पर उन्हें कुछ नहीं कहा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा आप यहीं रहोगी, उर्मिला जी ने उसका स्वीकार कर लिया। और फिर हुआ क्या, बरसों बीत गए, राम वन में है, वनवास में है, लक्ष्मण है, सीता जी है और उर्मिला जी अपने महल में है। एक दिन बड़ा शुभ दिन होगा, महामुनि नारद जी राम सीता और लक्ष्मण को मिलके राम के दर्शन करके सीधे अयोध्या पहुंचे हैं। नारद जी का आगमन हुआ, पूरे महल में चहल पहल हो गई, भव्य स्वागत किया गया नारद जी का, तीनों माताएं दौड़ी, जलपान किया गया, उनकी बड़ी आवभगत हुई। अब तीन माताएं नारद जी से बात कर रही है तो उर्मिला जी कहीं पीछे छिप के वो बात सुन रही है। नारद जी ने घंटों तक रामचंद्र जी के वनवास के बारे में सब बातें बताई है। उर्मिला जी सुन रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है। और घंटों बाद जब नारद जी का वार्तालाप खत्म हुआ, माता जी ने कहा कि आप थोड़ा विश्राम करें और फिर भोजन के लिए पधारें, नारद मुनि वहां से उठे, सिंहासन पे से जा रहे थे अपने कमरे की ओर, और उर्मिला जी ने आके नारद जी को वंदन किया है, प्रणाम किए, बिल्कुल सूख गई है, चेहरे पे कोई नूर नहीं है, शरीर में कोई ताकत नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि एक राजकुमारी है, ये दशरथ के कुटुंब की एक बहू है, दासी जैसे हाल बना के रखे है, बाल बनाए नहीं है, महीने हो गए होंगे बाल नहीं बनाए। तो उर्मिला जी ने नारद मुनि को कहा कि प्रभु आपने माता जी को तो बहुत वृतांत बताया, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे पतिदेव कैसे हैं, क्या करते हैं लक्ष्मण पूरे दिन पूरी रात। नारद जी ने विस्तृत अहवाल दिया कि वो कैसी सेवा करते हैं। उन्होंने कहा मैं 7 दिन भगवान के साथ रहा हूं वनवास में, और लक्ष्मण जी दिन बड़ी सुबह से रात देर तक राम की और सीता मैया की सेवा करते हैं, और रात को वो बाहर सो जाते हैं, झोपड़े में सोते नहीं है, खुले में सोते हैं, धनुष लेके बाण लेके रक्षा करने के लिए। और लक्ष्मण जी नींद तो लेते नहीं है, पूरी रात जगते हैं अपने भाई की रक्षा के लिए, एक क्षण के लिए भी वो नींद में नहीं जाते, पूरी रात जगते हैं। और नारद जी ने कहा कि लक्ष्मण ने मुझे कहा था कि आप उर्मिला जी को मिले और बताए कि पूरा दिन तो भाई की सेवा में गुजर जाता है, मर जहा जब रात को मैं बाहर बैठता हूं पूरी रात जागता हूं तो एक क्षण के लिए भी मैं उर्मिला को नहीं भूल पाता, मैं पूरी रात उर्मिला की प्रतीक्षा करता हूं, उर्मिला का एहसास करता हूं। तो दिन भाई की सेवा में गुजर जाता है, देर रात तक भाई की सेवा में होता हूं और पूरी रात में उर्मिला की सेवा, उर्मिला को याद कर करके जी रहा हूं। ये बात
नारद जी ने उर्मिला जी को बताई और नारद जी ने उर्मिला का जो देह देखा, उर्मिला की जो आकृति देखी, स्वरूप देखा, वो हिल गए। वीरह की वो साक्षात मूर्ति बन के सामने खड़ी थी। एक तपस्या दिख रही थी, वीरह की तपस्या थी, वो दिख रही थी। नारद ने उर्मिला जी को कहा कि बेटा मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप एक वर मांग ले। उर्मिला ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। नारद ने कहा उर्मिला भगवान विष्णु जो कुछ दे सकते हैं वो सब मैं भी दे सकता हूं, संदेह मत कर मेरे तपस्या पर। आप मुझसे मांग ले और आप समझ ले कि वो होके रहेगा, संदेह मत कर। कोई संदेह की वजह से आप नहीं मांग रहे हैं तो आप भूल कर रहे हो, गलती कर रहे हो। उर्मिला जी ने नारद के पांव छू लिए। उन्होंने कहा भगवान मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूं कि आप, आपकी सामर्थ्य को मैं जानती हूं। मुझे समय संदेह की वजह से आपसे कुछ नहीं मांग रही हूं ऐसा नहीं है, मगर मुझे कुछ जरूरत नहीं है इसलिए नहीं मांग रही हूं। फिर नारद ने कहा कि नहीं बेटी तू मांग ले आज। उर्मिला जी ने फिर हाथ जोड़े, उनकी आंखों से पानी बह रहा है, भाव विभोर हो गई है उर्मिला जी। उन्होंने कहा कि भगवंत आप कहते हैं कि मुझे मांगना है तो मैं आपसे एक ही बात मांगती हूं कि अब जब तक की ये वनवास चले, जब तक की मेरे पति वन में रहे, राम की सेवा में रहे, वहां तक मेरे पति मुझे भूल जाए, मेरे पति की विस्मृति हो जाए मेरे बारे में, क्योंकि वो रात को राम की सेवा करने की जगह, रात को राम भगवान को याद करने की वजह वो मुझे याद कर रहे हैं। मैं उनकी तपस्या का भंग करवा रही हूं। अगर आप में सामर्थ्य है, आप देना ही चाहते हैं, तो मुझे एक ही बात दे दे कि लक्ष्मण मुझे भूल जाए, वो मुझे एक क्षण के लिए भी याद न करे, मेरी विस्मृति हो जाए प्रभु। और कहते हैं ये बात सुनकर नारद जी की आंख में पानी आ गया। नारद जी ने कहा कि आप क्या मांग रही है बेटी, आपने मांगा होता कि लक्ष्मण वापस आ जाए मैं उसको वापस भिजवा सकता था, पर आपने विस्मृति मांग ली अपने पति से। भले वही होगा जो तूने मांगा है, लक्ष्मण अब तुम्हें नहीं याद कर पाएगा। नारद जी ने उर्मिला जी को वंदन किया, कहा कि देवी तुम महान हो, आज ये बात उर्मिला जी की बात हम विस्मृति में खो चुके हैं, हम ये बात भूल गए। उर्मिला जी ने अपने पति से वियोग मांग लिया, वियोग में तो वो थी, मगर पति से विस्मृति भी मांग ली ताकि अपने कुटुंब में, अपने कुटुंब के लिए उन्होंने विस्मृति मांग ली, अपने जेठ जी के लिए, अपनी
जेठानी के लिए उन्होंने विस्मृति मांग ली। मैं बहनों से कहना चाहता हूं, जो शादीशुदा है या जिसकी शादी होने वाली है, ये प्रयत्न करें कि कुटुंब का सुख किसमें है। मेरा पति मेरे कहने में हो, मेरा पति मेरी बात सुने, मेरा पति मेरा ही कहना माने, मेरा पति मेरा हो जाए, मेरी सास का ना हो, मेरे घर वालों का ना हो, मैं मेरी पति को अपने पल्लू से बांध के रखूं। ये जो सोच है आज की, वो गलत है, सरासर गलत है। बहुत सारे जो प्रश्न उपस्थित होते हैं कुटुंब में, मैं समझता हूं यहीं से उपस्थित होते हैं। आपके जो पति देव है वो कुटुंब के हैं, समाज के हैं और आपके भी है, मगर सिर्फ आपके नहीं है। जिन्होंने ये प्रयास किया कि मेरे पति सिर्फ मेरे ही हो जाए, कुटुंब को भूल जाए, उनकी मां को भूल जाए, उनके भाइयों को भूल जाए, याद रहे, मां को भूलने वाला भाई को भूलने वाला भाई तेरा पति एक दिन तुझे भी भूल सकता है। तो आज उर्मिला जी को हम भी वंदन करते हैं और हम चाहते हैं कि उर्मिला जी की ये जो बात है वो पूरे समाज में बिखर जाए, पूरे समाज ये बात को फिर से याद कर ले, भारत की सभी महिला फिर से उर्मिला जी को याद कर ले, उर्मिला की बात को याद कर ले। सीधी बात में आज बस इतना ही, अब हम कल मिलेंगे।